नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी जेई और एई की वैकेंसी जो निकाली गई थी लेटेस्ट वाला, तो उसका देखिए जो है आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। एग्ज़ाम डेट इन्होंने जारी कर दिया है। तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद इसके रिगार्डिंग जो आप लोग डिटेल इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसमें जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है जून महीने में। तो इस पीडीएफ को ओपन करना, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो है आपका आज ही का आया हुआ ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें देखिए इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है यहाँ पर कि जो भी एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल किए गए जून 2022 में, जून महीने में जो शेड्यूल किए गए एग्जामिनेशन आपका, तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन करके आपका दे दिया है यहाँ पे। और ये सारा देखिए ऑनलाइन मोड से आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके ये होंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने दिया हुआ है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा डेट और डे को एग्जामिनेशन होगा, कितने शिफ्ट में होंगे, और कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर के लिए आपका होगा पोस्ट कोड के साथ में, और साथ में जो नेम है मतलब कि जो जो आपका ये निकाला गया था वैकेंसी आपके किस पोस्ट के लिए, और यहाँ पे डिपार्टमेंट कि कौन सा डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके जेई और एई का जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, तो इनका देखिए एग्जामिनेशन जो है आपका 20/6/2022 यानी कि 20 जून को आपका एग्जामिनेशन ये होने वाला है। और ये शिफ्ट 1 में आपका होगा, और एडवर्टीजमेंट जो लेटेस्ट आपका आया हुआ था वही है उसकी है। और यहाँ पे देखिए जो आपका सेकेंड शिफ्ट है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। उसी तरीके से देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का, तो इनका देखिए एग्जामिनेशन जो है आपका, तो ये जो है 22/6/2022 को होने वाले, यानी कि 22 जून को आपका एग्जामिनेशन होगा। और वो भी देखिए इन्होंने 3 शिफ्ट मेंशन करके दिया हुआ है, 1 2 3 करके। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल या सेक्शन ऑफिसर सिविल का जो है, तो इनका देखिए एग्जामिनेशन जो है तो ये 3 दिन है, मतलब कि 3 डेट इन्होंने दिया हुआ है। एक आपका 27/6, 28/6 और 29/6 को, यानी कि 27, 28 और 29 जून का एग्जामिनेशन आपका होगा। और ये देखिए जितने भी दिन हैं आपके यहाँ पे 27, 28 और 29, तो सभी दिन 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपका ये होंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन करके आपका दे दिया है, डेट आपका आ चुका है जून महीने में आपके होने वाले हैं। और देखिए जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होंगे तो आपको ये दे दिया जाएगा आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे, या फिर जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड और सेंटर, ये सारा चीज़ जो है आपका मेंशन रहेगा एडमिट कार्ड में, और ये सारा चीज़ आपको बाद में इन्फॉर्म कर दी जाएगी, और जब भी आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे इसके रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका सिलेबस या साथ में जो एग्जाम पैटर्न जो है, तो इसमें देखिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, तो उसमें आपका हिंदी इंग्लिश और जनरल स्टडी पोर्शन आपके आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, और साथ में जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, तो हम जो है इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है यहाँ पे DSSB JEE और AE एग्जामिनेशन के लिए। ये जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन का है आपका, तो आप लोग जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग देखिए ऐप को जब रजिस्टर कर लोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में चले जाना है यहाँ पे, और इसमें जो है आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है आपको DSSB वाला। तो आप लोग जो है यहाँ से देख के, और इसके बाद इसमें जो है आप लोग इनरोल हो सकते हो। यहाँ पे आप लोग जो है सर्च करना DSSB JEE का, और यहाँ पे देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कोर्स में कंटेंट क्या है, कौन कौन से आपको मिलेंगे इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो है इसमें आपको जनरल स्टडी इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको इसमें जो है हमने पूरा कंप्लीट कराया है यहाँ पे। और बाकी देखिए जो पोर्शन रिमेनिंग है उसको जल्दी हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका करा देंगे, 3 से 4 दिनों में या फिर 5 दिन में पूरा कंप्लीट आपका करा देंगे हम। और पीडीएफ देखिए पूरा कंप्लीट है, इसके साथ में आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो जो आपका फोल्डर है इन सब में आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ फाइल जो है इसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, हिंदी का, इंग्लिश का, और साथ में जो जीके का पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। तो ये देखिए आपको जो इसी कोर्स में मिल जाएंगे आपको पीडीएफ, अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो नॉन टेक्निकल पोर्शन का। तो यहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से कोर्स में इनरोल होकर अपना तैयारी कर सकते हो अच्छे से। और देखिए जो पीडीएफ है उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, और किस तरह से आपको लिंक का इंटरफेस आपका रहेगा वो हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, जो लिंक हम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग जाके पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग कोर्स में इनरोल नहीं होते हो तो आप लोग पीडीएफ से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी का आपका, और ये जनरल स्टडी का, और ये जो है इंग्लिश का है।
तो आप लोग जो है यहाँ से पीडीएफ को भी आप लोग बाय कर सकते हो और इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है। आप लोग अगर इतना कर लेते हो जितना हमने इसमें मेंशन करके दिया हुआ है, तो आपका देखिए इससे जो है तैयारी आपकी हो जाएगी इन जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका। तो आप लोग बाय नाउ करना, और कोई भी देखिए प्रॉब्लम आपको आता है डाउनलोड से रिलेटेड या फिर कोई भी इशू हो, तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे संपर्क करना, तो आपका जो है जो भी क्यूरी होगा आपका तुरंत ही रिजॉल्व आपका हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन था आपका एग्जाम से रिलेटेड, आपको किस तरह से जो है प्रिपरेशन करना चाहिए लास्ट नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए। तो आप लोग मेरे दिए गए हुए जो कोर्स हमने आपको बताया हुआ, साथ में जो पीडीएफ हमने दिया हुआ, अगर उससे करते हो तो आपका देखिए काफ़ी हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। और भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे।